नमस्कार दोस्तों, आप हमेशा मुझे देखते हैं माइक के साथ में और मैं किसी न किसी के साथ चर्चा करता रहता हूं। दोस्तों आप देख रहे होंगे, जैसा कि मेरा काम नहीं है, ये हारमोनियम है और इसके बिना कोई भी संगीतकार बनने में असफल होता है और सिंगर बनने में असफल होता है। कुछ ही लोग हैं जैसे कि लता जी को हारमोनियम बजानी नहीं आती, फिर भी वे बहुत बेहतरीन गायिका हैं। ये देखिए, ये छोटा बाबू है, ये अपनी आंखों से देख तो नहीं सकता, दिव्यांग है, लेकिन इसकी एक कलाकारी आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये बड़े 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 दिग्गज जो कलाकार आज के टाइम पे भोजपुरी में हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 90.9% लोग भी नहीं कर पाएंगे जो ये 10 साल का छोटा सा बच्चा कर ले रहा है। आप खुद देखिए, मैं सरगम उखाली टच करूंगा, अपने कानों से सुन के बच्चा बता दे रहा है कि आपने यहाँ पे उंगली रखी हुई। चले करे हाँ। चलो बताओ ये क्या है। ये देख नहीं रहे और आप भी देख सकते हैं, मैंने मुंह पे ही रखा है, मैंने सिखाया नहीं है। अब बताओ ये क्या है। सा। बताओ ये क्या है। और अच्छा बताओ ये क्या है। रे। बताओ ये क्या है। बताओ ये क्या है। रे। बताओ ये क्या है। आप देख रहे हैं कि मैं कहीं भी ऊपर नीचे आगे पीछे से करके दिखा रहा हूं आपको, फिर भी ये बच्चे का देखो मेमोरी कितना स्ट्रांग है। और भी देखिए आप आगे, बताओ बाबू ये क्या है। बताइए ये क्या है। बताओ ये क्या है। बताओ ये क्या है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऐसा बहुत ही कम लोग होते हैं जो सिर्फ सुन के बता देते हैं कि कौन सा स है, कौन सा रे है, कौन सा ग है, कौन सा म है, प है। बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे, बच्चे ही नहीं जो बूढ़े बुजुर्ग हैं जिन्होंने संगीत की पूरी क्लास कर रखी, प्रभाकर कर रखा है। बहुत कम लोग होंगे जो सिर्फ अपने कर्ण से कर्णों से सुन के सुर की पहचान कर सकते हैं। और इसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये संगीत सीखें और आगे बढ़ें। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और इस भाई को जब आप प्यार देंगे तभी इनके माँ बाप तो लगे हुए हैं कितनी अच्छी शिक्षा दी जाए, लेकिन इनके माँ बाप की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। आपसे हम पैसे नहीं मांग रहे हैं, आज तक मैंने कभी आपसे पैसे की अपील नहीं की है, लेकिन मैं अपील करना चाहूंगा कि अगर आप लोग सक्षम हैं, कोई गीतकार राइटर होगा, कोई म्यूजिक डायरेक्टर होगा, कोई वीडियो डायरेक्टर होगा जो देख रहा होगा या संपन्न होगा किसी तरीके से, अगर आप हेल्प कर सकते हैं मेरी नहीं इस बच्चे की, सो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है इस बच्चे की आप लोग हेल्प करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि कोई ऐसा शख्स इस वीडियो को देख सके जो इस बाबू की हेल्प कर सके। धन्यवाद। धन्यवाद कर लो, प्रणाम कर लो। धन्यवाद, प्रणाम।